टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान, रोहित शर्मा संभालेंगे टीम की कमान, हार्दिक पांड्या बनाए गए उपकप्तान। टी20 वर्ल्ड कप में केएल राहुल को नहीं मिली जगह, संजू सैमसन ऋषभ पंत की टीम में वापसी, शिवम दुबे को भी मिला मौका। यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव वर्ल्ड कप की टीम का हिस्सा, कुलदीप और चहल संभालेंगे स्पिन गेंदबाजी की कमान, रिंकू और गिल रिजर्व खिलाड़ी। पीएम मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला, एआई से मेरा चेहरा लगा करके झूठ फैलाते हैं, मोहब्बत की दुकान में सिर्फ झूठ, इनकी मोहब्बत वाली दुकान बंद होनी चाहिए। अमित शाह के एडिटेड वीडियो मामले में अहमदाबाद से दो आरोपी गिरफ्तार, एमएलए जिग्नेश मेवाणी का पीए और आप कार्यकर्ता आरबी बारिया अरेस्ट किया गया। कांग्रेस नेता जिग्नेश मेवाणी का बयान, कहा किसी भी फेक वीडियो का नहीं करते समर्थन, आरोपियों की गिरफ्तारी की टाइमिंग पर उठाए सवाल। गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर लगाया फेक वीडियो वायरल करने का आरोप, कहा कांग्रेस हताश है, फर्जी जन समर्थन के लिए वायरल किया गया वीडियो। एडिटेड वीडियो पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, फेक वीडियो बनाने का एक्सपर्टीज बीजेपी के पास है, हम हेट स्पीच नहीं करना चाहते हैं लेकिन पीएम मोदी हमेशा से हेट स्पीच करते हैं। बंगाल के बहरामपुर की रैली में ममता बनर्जी पर बरसे योगी आदित्यनाथ, कहा बंगाल को हिंदू वहिनी करने की हो रही है साजिश। सीएम योगी ने आरक्षण को लेकर के कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कांग्रेस ने संविधान का गला घोटा, इमरजेंसी को जनता आज भी नहीं भूली है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की भतीजी के विवादित बोल, मुस्लिमों से की वोट जिहाद की अपील, कहा मौजूदा हालात में वोट जिहाद जरूरी है। अमेठी रायबरेली सीट पर राहुल प्रियंका के लड़ने पर सस्पेंस होगा खत्म, आज शाम को कांग्रेस कर सकती है फैसला, अध्यक्ष खड़गे करेंगे नाम का ऐलान, सूत्रों के हवाले से खबर। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल केस में जेडीएस की बड़ी कार्रवाई, सांसद प्रज्वल रेवन्ना को किया गया निलंबित, राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी लिया इस पर संज्ञान। सेक्स स्कैंडल की जांच के लिए एसआईटी का गठन, टीम में 18 लोग शामिल है, दो महिला समेत 3 एसीपी रैंक के अधिकारी हैं, 3 महिला इंस्पेक्टर समेत 5 इंस्पेक्टरों की भी नियुक्ति। प्रज्वल रेवन्ना केस पर बोले गृहमंत्री अमित शाह, कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने क्यों नहीं लिया एक्शन, राज्य सरकार को लेना चाहिए एक्शन, जेडीएस ने भी कार्रवाई की मांग की। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में पुलिस और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़, पुलिस ने 7 नक्सलियों को मार गिराया, कई और नक्सलियों के भी छिपे होने की खबर। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बारिश से लैंडस्लाइड हुआ, घरों पर गिरा पहाड़ का मलबा, कई घरों को भारी नुकसान पहुंचा। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में ग्रामीण इलाकों में बाढ़ जैसे हालात है, बारिश के पानी से सड़कों पर जलभराव है, आवाजाही बाधित हुई है, लोगों की परेशानी बढ़ी। यूक्रेन के ओडिशा में रूस का मिसाइल से हमला, हमले के बाद एक इमारत में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। यूक्रेन के ओडिशा में रूस के हवाई हमले में विस्फोट हुआ, 4 लोगों की हुई है मौत, कई लोग घायल हुए, दहशत में पूरा इलाका। इसराइल हमास के बीच में जंग हुई और तेज, आईडीएफ ने गाजा में बरसाए बम, जगह जगह हुआ विस्फोट, आसमान में उठा धुएं का गुब्बार। पेरू में बस हुआ हादसे का शिकार, 600 मीटर गहरी खाई में गिरी बस, घटना में 25 लोगों की मौत हुई है, 17 लोग घायल हैं, बस में 50 से ज्यादा यात्री सवार थे। अमेरिका के कई कॉलेज में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन, गाजा में हमले का विरोध, छात्रों ने कॉलेज परिसर में लगाए टेंट और तंबू। आईपीएल में आज मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला, एकारा स्टेडियम में शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। Zee News.